स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, एशिया कप 2022 में दूसरा मुकाबला और भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ होने जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फ़ैन हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, बात करें इस मैच की तो ये मैच 28 अगस्त को शाम 7:30 पर खेला जाएगा। दोस्तों, बात करें इस मैच की तो इस मैच में भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की ओर से ओपनिंग करते हुए दिसेंगे, नंबर एक पर होंगे रोहित शर्मा। नंबर दो की बात करें तो केएल राहुल हमें इस टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे। नंबर तीन पर विराट कोहली होंगे जो इस मैच में बढ़िया दर्शन करना चाहेंगे। नंबर चार पर होंगे सूर्य कुमार यादव जो एक आक्रामक खिलाड़ी हैं। नंबर पाँच की बात करें तो इस स्थान पर होंगे ऋषभ पंत जो बिग ट्रिपिंग बल्लेबाज हैं। नंबर छः की बात करें तो इस स्थान पर होंगे हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। नंबर सात कवर रविंद्र जडेजा हो सकते हैं। नंबर आठ पर होंगे भुवनेश्वर कुमार। नंबर नौ पर दोस्तों युजवेंद्र चहल हो सकते हैं। नंबर दस पर अर्शदीप सिंह को टीम में मौका मिल सकता है। इसके अलावा नंबर ग्यारह की बात करें तो इस स्थान पर अवेश खान हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की शक्ति है भारत की पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपके अनुसार भारत की पहले मैच में प्लेइंग 11 किस प्रकार की हो सकती है? क्या अवेश खान को मौका मिल सकता है और क्या अर्शदीप को इस मैच में खिलाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जोड़ दें और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।